क्वेश्चन इज, इफ यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइंस, बिकॉज़ फॉर अ रीड फंक्शन एंड रीड लाइन तो बता यहाँ पे ऑल द रिमेनिंग लाइन, तो बेटा यहाँ पे रीड लाइंस तो होगा बट रीड लाइंस में कोई देयर इज नो एनी पैरामीटर, ठीक है, तो हियर इज माय फाइल डॉट रीड लाइंस। क्वेश्चन नंबर टू, सिंटैक्स इज सीक फंक्शन इन पाइथन माय फाइल डॉट सी, इन अ ब्रैकेट देयर आर सम पैरामीटर्स वेयर एम फाइल इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट, मींस रेफरेंस पॉइंट मींस यू स्टार्ट योर प्लेसिंग योर मार्क your a particular object where in the beginning of the file or in current position or at the end, kisko reference leni hai aapne, theek hai, to here offset means aapne kitne bytes jana hai, theek hai, suppose main yahan pe agar humne reference point lena hai by default it is always yes any student current position, ठीक है, तो वन यस। आपके पास बाय डिफॉल्ट इट शुड बी बेटा, एक मिनट रुका, आपके पास है देखो वेयर डिफॉल्ट वैल्यू पूछी उसने रेफरेंस पर, करंट बाय डिफॉल्ट इट इज करंट पोजीशन ना, तो वो आपने उसे करंट पोजीशन का आपने उसने वो पूछा है कि आपके पास कौन सा होगा डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, अगर आप ना दो ठीक है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, जीरो से करंट ऑफ द फाइल बेटा वन आएगा, वो मैं कह रहा हूँ वन आएगा, हाँ तक मैंने वन ही बोला मैंने, देखो बेटा जो करंट पोजीशन ही बाय डिफॉल्ट होती है, करंट जीरो होता है बिगिनिंग, वन होता है आपके पास करंट और टू आपके पास एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, जब आपने सीक आप फंक्शन लगाना है तो आप अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं देते तो इट विल ऑलवेज अज्यूम इट इज वन, ठीक है। नेक्स्ट इज give the one way of opening the yes csv file ka question mein samjh dala maine hai nahi, chalo what is the importance of new line, to new line aapke paas beta kya karta hai, end of file character ko kya karta hai, suppressed, theek hai, it is d, what is the following statement is not correct, if we are trying to read the file that does not exist an error message occur, yes it is, if we try to abish there is a abish there is aapne na ek वैसे तो बेटा देखो अगर एक एक आप करते हैं काम करते हैं ठीक है इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, आपने क्या करना, क्योंकि आई एम यूजिंग द डिफरेंट यूजर, यहाँ पे पाइथन ही चल रही, अगर भाई पाइथन का दूसरा यूजर था तो चेक कर लीजिए, नहीं यहाँ पे पाइथन चल रही, एक मिनट ये नेट में देखा है, नहीं मैं एक नहीं आपके लिए प्रेफरेंस के लिए तो ठीक है ना, पता है ये अविश यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पता है किस लिए आ रही है, ये भी लिख रहे हैं
क्योंकि जब हम फाइल को ओपन करते हैं इन रीडिंग मोड, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है. बट सपोज यू आर रीडिंग समथिंग, यू रीड फर्स्ट फर्स्ट लाइन एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है. इन दैट केस इफ आई यूज अ फंक्शन सी, व्हाट हैपेंस? क्वेश्चन, अगर देखो इट मींस द क्वेश्चन इज डाउटफुल इफ यू आर ओपनिंग द फाइल, ठीक है, इट मींस इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड बाय डिफॉल्ट इट इज जीरो, ठीक है. बट इन केस यू हैव ऑलरेडी मूव इन द फाइल, इन दैट केस योर रेफरेंस पॉइंट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट. इन दैट केस इट विल टेक वन, ठीक है. तो यार देखो उस समय अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा उसको, तो डिफॉल्ट ही बना. देखो ठीक है, तो यहाँ पे जीरो भी करेक्ट होगा, पर अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वन भी करेक्ट होगा, पर यहाँ पे जीरो आपका ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने किस पोजीशन के ऊपर उसमें, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा. अगर उसने लिखा होगा तो वी आर इन बिटवीन द फाइल, इन दैट केस डिफॉल्ट वैल्यूज, यस राधिका, पॉइंट्स क्लियर है ना. पेपर में हो सकता है कि दे विल चेंज द वर्डिंग, दे टेल कि वी आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, वी आर इन द सपोज 20th बाइट, यस यस इन दैट. नेक्स्ट इज which of the following statement is not correct if we are trying to read a file that does not exist, an error message occurs. Yes, correct. But if we are trying to read a text file that does not exist, the file get created. No, this is wrong. Okay, that is a B. Okay, ye wrong hai. Next question, which of the following options can be used to read the first line of a text file? Beta, if you want to read the first line, there is a read line, not a read lines. और यहाँ पे भी assumption है, we are beginning of file. ठीक है, तभी first line read हो रही है. ठीक है, in between अगर आपकी किसी और position के ऊपर तो एक line read होती है. Next is, if the file name is student.txt is stored in the storage device, identify the correct option to open the file in a read mode. So here is here W mode, और बेटा आपके पास read mode के लिए आपके पास अगर हम mode नहीं भी देते, by default is a read mode. So here is a third and fourth, and third, fourth and C options. What is the significance of tell method? Where tell method will tell us the current position. ठीक है, to tell the current position of the file pointer within the file. Then there is a one contents. ठीक है, you open the file, read the file, length of file, number of characters including spaces. Contents are given here. We use a read lines method. But whenever you use read line method, a list is created. Then there is a one file, contents are here. What is the output? आपने क्या किया हुआ यहाँ पे, एक file को open किया, एक आपने list बनाई, ठीक है. ये this list method is used to generate a list, ठीक है, from a string. तो उसका first character A होगा, second E होगा, ठीक है, ये list बन गई. अब मैंने file को read किया, Y in X, तो वो एक character read करेगा file में से. बेटा यहाँ पे इंडेंटेशन होनी चाहिए, ये ना ऐसे होना चाहिए था. इन केस दैट कैरेक्टर इज इन द लिस्ट, ठीक है, इट ऐड वन इन बीसी, बिगिनिंग द वैल्यू ऑफ बीसी इज जीरो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हियर ई हो गया वन, देन
हियर इज ए टू हो गया, देन थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, आंसर इज सेवन. ठीक है, अगर इन केस आपके पास इसी करेक्ट इन्हीं करेक्टर में से कोई करेक्टर आपकी फाइल में है, इट इज काउंटिंग. ठीक है, तो आंसर इज सेवन. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? अच्छा एक देयर इज वन वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ आई यस वन लिस्ट टू हियर फाइव सिक्स सेवन टू एट. But tell me, if I'm using the remove function will delete the data from the list according to the value. But tell me, what will be the remaining list item? Yes, very good, Vida. Very good. It will not delete this two and this two. It will delete the first occurrence of That element. ये note down. Paper में भी ऐसे question हो सकते हैं कि इसके बाद result क्या आएगा. ये देखिए, इसने single time two को delete किया है, तो आपके पास अगर हम x को display करते हैं, clear? So remove function will delete the first occurrence of your element. And remember, pop function having with parameter or without parameter. If we are not providing any parameter, what is the default value? Last element. बेटा उसका ये this is, you can say this is drawback of your remove function. उसको सबसे पहले two मिला उसने delete कर दिया. Because looping is not there. ये iteration नहीं है. ठीक है, उसने उसको first occurrence में मिला delete, उसने okay delete the element, then rest of the remaining element as it is. Clear हो गया ये? No, tell me, when we are adding two elements in a sequence कौन कौन से है? List, tuple, ठीक है, string, not dictionary. The first element is a dictionary. Oh, sorry, first element is a sequence. Now tell me, the second element कौन सा हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या स्ट्रिंग को क्या होना चाहिए इसके बाद? सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा? टू पैरामीटर्स हो गए ना, एक तो वैल्यू होगी, एक्स इज अ सीक्वेंस. सेकंड वन मस्ट बी सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप. क्लियर? इफ एक्स इज अ लिस्ट, सेकंड सीक्वेंस मस्ट बी लिस्ट. ठीक है, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर. क्लियर? Suppose I am taking here one string. String is a sequence. We use plus sign. Second must be string. Okay. Next is एक equation करते हैं इसमें. इसमें x प्लस वेन बैटर आंसर दो इसको. हियर आई एम यूजिंग x, x वो x इज अ लिस्ट. ठीक है, सो टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट. आंसर क्या आएगा इसका? एक्स ये है. नहीं नहीं वो टेम्परेरली
टू आएगा मेरे टू आएगा एक एलिमेंट हुआ टू आएगा टू टू दो टू थ्री टू फोर टू देखो बेटा एक इट विल जनरेट एरर रीजन इज एक्स इज अ लिस्ट But whenever you are using this, this is not a list. You are saying the length of x 1, 2, 3, 4, 5. 5 में से 3 less हुआ, 2 रह गया. तो x 2 की value क्या है? 0, 1, 2, 7. तो ये 7 आ गया इसकी जगह. Constant value. List में list ही add हो सकती है. तो it will generate. Okay, students, I am going to close the meeting. Take care. Bye bye.